नहीं तो प्रिंट, ये पे प्रिंटिंग का इशू है, पैसे तो कटे ना, तुम्हारे इसमें कोई चेक नहीं कर सकते क्या पैसे आए कि नहीं आए? तो मैं क्या डबल पे करूँ अभी फिर? गुड मॉर्निंग मैक्स. सो ही स्लीप्स विथ हिज डैडी. इसी के साथ ये महाराज सोते हैं. ये महाराज क्या कर रहे हैं? वेद सोने दो उसको. वेद सो रहा बेटा अभी. क्या नाम रखा है अपने इसे? मैं. किसने रखा है? मैंने. ठीक है. सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग ऑफ माइन. आज फिर से व्लॉग शूट कर रहा हूँ. अभी सोच रहा हूँ कि रोज थोड़ा थोड़ा शूट करूँगा. जब व्लॉग के लायक कुछ बन जाएगा तो व्लॉग डाल देंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल. वेलकम गाइस. तो चलिए दिन शुरू करते हैं. मैक्स, मैक्स बदमाश नहीं ये ना, ये इतना काटता है ना, कुछ काटते रहता है. देखो अब पता है मुझे सोने नहीं देता है. तो अभी जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक बार डॉक्टर को पूछ लेंगे कि इसकी बाइटिंग कैसे कम कर सकते हैं. मतलब ये प्यार करता है तो काट के करता है, चाट के नहीं करता. गुस्सा आ गया, गुस्सा गुस्सा आ गया. गंदू 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 सोने ही नहीं देता है. हमला कर देगा मेरे ऊपर, हमला कर देगा ये मेरे को चाटेगा, काटेगा मेरा बाल. गधा के कहीं पे चढ़ जाता है. एक बार फोटो खींचो. हाँ एक बार फोटो खींचो और सारे ब्लॉग बनाएगा. नीचे तो जल्दी जल्दी. एक बार उधर से दिखाना मेरा. हाँ दिखाया, नीचे उतरो. देखो कौवा. तू नीचे उधर पहले. कौवा तो देखो पहले यार. कौवा कोई देखते की चीज है क्या? गधे तो आज सवेरे से पूरा बदली छाई हुई है आसमान में, पूरे बादल बादल है. ये महाराज घूम रहे हैं. तो ठंड तो वैसे बढ़ गई है नागपुर में. अभी कल कुछ 12 डिग्री था शायद. तो हम लोग अभी छत पे थोड़ा घूमने आए थे. 8:30 बज रहे हैं कुछ. बस अभी फ्रेश होता हूँ, नहाऊंगा जाके, उसके बाद लगेंगे ड्यूटी पे अपनी. छत पे हम लोगों ने अभी कुछ पूरे जो कपड़े थे ना, वुलन क्लॉथ, ये सब अभी डाले हुए थे छत पे. ये दिख रहा है, ये जो लोहे का पलंग है, जो पलंग है ये मेरे रूम का पलंग है. मतलब जब मैं अकेला रहता था, बैचलर था, तब का पलंग है. ये अभी छत पे है. तो ये मेरे रूम में एक पलंग था, बेड था ये, और इसके ऊपर जो गद्दा था वो भी है अभी भी मेरे घर पे. तो वो भी मैं यूज़ करता हूँ. मतलब बहुत साल हो गए भैया, बहुत पुरानी बात है. क्या हुआ? कहाँ रखा आपने चाबी? मैंने रखा था, पूरा गार्ड होना मेरे पास मिली नहीं मेरे को. तो रखा किसने था? मैंने टेबल पे रखा था, मिल नहीं रही है. तूने गायब कर दिया ना. 1:30 बज रहे हैं अभी दोपहर के, ऑफिस का काम चालू है. ये मेरे ख्याल से शाम को आज 5-6 बजे तक, 6 बजे तक चलेगा शायद. उसके बाद देखते हैं क्या करना है. अभी दिन में क्या व्लॉग बनाऊँ समझ में नहीं आता, क्योंकि दिन भर मेरा ऑफिस चलता है और उसमें दिखाने लायक कुछ होता नहीं है. तो वो आप लोगों को क्या दिखाऊँगा मैं. अभी मैक्स सामने सोया हुआ है. सो गुड इवनिंग गाइस. अभी सीधे शाम को कुछ शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दिन भर ऑफिस के काम में था तो कोई रिकॉर्ड नहीं किया. रिकॉर्ड करने लायक कुछ था भी नहीं. अभी 7:30 बज रहे हैं, कल छुट्टी है मेरी, सैटरडे है. तो देखते हैं अभी कहीं कुछ घूम फिर के आते हैं. शायद डिनर का भी प्लान बन रहा है. जो भी होगा दिखाएंगे आपको. आइए
तो कार से सीधा बाइक पे आ गया हूँ क्योंकि प्लान में थोड़ा सा चेंज है। चेंज ऐसा है कि डिसाइड किया कि बाइक से चलते हैं और किसी अच्छे रेस्टोरेंट्स या कोई ऐसे बड़ी जगह पे नहीं जाएंगे, कोई हाईवे के ढाबे पे चलते हैं। आज बहुत ज़माना हो गया ढाबे पे खाए हुए, तो ढाबे पे चलते हैं। अभी कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता है। शायद दो ही लोग जाएँ हम लोग, बाकी कोई और आ रहा होगा तो वो भी ज्वाइन कर लेगा, तो देखते हैं। बट आज मूड हो रहा था कि कहीं चलते हैं हाईवे पे खाना खाने, तो ढाबे पे ही चलते हैं सीधे, इसलिए बाइक से निकले हैं। अभी सबसे पहले डालना है बाइक में पेट्रोल, क्योंकि बाइक बहुत दिनों बाद निकाल रहा हूँ और अभी ये ऑलरेडी जो रिजर्व होता है उसमें चल चुकी है 36 किलोमीटर्स, 5 लीटर होता है, नियर अबाउट 5 लीटर होता है इसके एफ ट्रिप में, मतलब जो रिजर्व होता है हिमालयन में वो एफ ट्रिप आता है। या पेट्रोल डालते हैं अभी आगे, उसके बाद चलते हैं घर से। मैंने जैकेट चेंज किया बट ठंडी तो नहीं लग रही है कुछ भी यार। ये हाईवे पे लगेगा ठंडी, पर ऑफ कोर्स लगेगा। अभी पेट्रोल डीजल में रेट थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो गया, मतलब पहले 10 रुपये का था, अभी कुछ 15 या 16 रुपये हो गया। नागपुर में 109 रुपये पेट्रोल है और डीजल इज 92 आई थिंक। अगर यार सवेरे कार में भी डीजल डाला है, अब बाइक में भी पेट्रोल डालो, पैसे तो ऐसे ही उड़ जाते हैं आज का पेट्रोल और इस पर, इसलिए कम गाड़ी रखो, छोटी गाड़ी रखो, खुश रहो। नहीं तो प्रिंट, ये पे प्रिंटिंग का इशू है, पैसे तो कटे ना, चाहे तुम्हारे इसमें कोई चेक नहीं कर सकते क्या पैसे आए कि नहीं आए? तो मैं क्या डबल पे करूँ अभी फिर, कि पैसे तो कटे? पैसे नहीं कटेंगे अभी, क्या करूँ अभी, फिर से करूँ? पैसे कटे हो, फिर से ये कर रहा है, दिखा रहा है? हाँ वही बोला, पुराना देखो ना कैसे देखते हैं, प्रिंट नहीं है, देखो ऐसा आ रहा था, रिट्राई प्रिंटिंग का इशू आ रहा था। तो ऐसा है, उसका प्रिंट इशू आया, पैसे तो कट गए। कैनरा बैंक कहाँ पर है? हो गया ना? हाँ हाँ ठीक है यार। और तो ऐसा है भाई, उसका प्रिंटिंग का इशू है, उनको कार्ड यूज़ करना सिखाया था, उनको उसमें पढ़ना भी सिखाना चाहिए थोड़ा सा, कि भाई क्यों ट्रांजैक्शन कैंसिल हुआ है या एरर क्या आया है। उसके प्रिंटिंग एरर आया था आई थिंक, उसका जो प्रिंट रोल होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उनको लगता है एरर आया, मतलब बस पैसे का ही एरर आया होगा। क्या हुआ, कोई नहीं आया? बोलो, दो ही लोग जाएंगे बस। तो डिसाइड ये हुआ है कि भंडारा रोड जाएंगे, हम दो ही लोग जा रहे हैं और कोई नहीं है, तो चलो यार थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही थोड़ा सा बाइक राइड करना है, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, आसपास ही कहीं पे थोड़ा सा राइड करके कहीं कुछ हल्का फुल्का खा के वापस आ जाएंगे। तो है रायपुर, कोलकाता है 1107 किलोमीटर, रायपुर इज 275, भंडारा 49 और मौदा 27। हम लोग मौदा तक या मौदा के थोड़े पहले रुक जाएंगे कहीं पर। चलो ये आ गया ढाबा, ये खाली रहता है मोस्टली, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती, यहाँ ज़्यादा लोग आती नहीं है, बाहर से उतना खास दिखता नहीं है, पर मैंने बहुत बार खाना खाया और यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा था, अभी तक तो पता नहीं कैसा है। बाहर बैठते या अंदर बैठना? बाहर ही बैठते, उधर बैठना है क्या? बैठते खटे में बैठना है कि इस पे चेयर पे बैठना है? ये इस चेयर पे बैठते, ये वाली चेयर पे बैठते हैं। पहले ये टाइल्स नहीं थी यहाँ, ये नीचे था, मतलब यहाँ ग्राउंड था, एक पेड़ था, उसमें बैठते थे हम लोग नीचे आके, ये वाले। हाँ अच्छा, तो खाली है मोस्टली, ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ, मतलब 5-6 फैमिलीज हैं और कुछ लोग हैं बस, सामने ही हाईवे है। तो पहुँच गए ढाबे पे, बस अभी खाना वाना खाते हैं, जल्दी निपटाएंगे और निकलेंगे, टाइम ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, 7:30 ही बज रहे हैं। खाना अच्छा होगा तो मैं पार्सल ले जाऊंगा सब्जी अभी यहाँ से कुछ करके। तो डन विद द डिनर, अब वापस चलेंगे। सो ये रेस्टोरेंट है, या आ सकते हैं आप लोग आसपास रहते हैं तो, टेस्ट अच्छा भी, मैं बहुत सालों से आ रहा था, मतलब अभी मैं मेरे से 4-5 साल बाद आया हूँ, बट हम लोग पहले बहुत आते थे यहाँ। यहाँ किलोमीटर्स हैं 35 यहाँ से मेरा घर, पर टाइम दिखा रहा है सिर्फ 15 मिनट
ये सीधी सीधी रोड है, कहीं मुड़ना नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। सिटी में जो थोड़ा बहुत मिलता है वो भी अभी में ही नहीं मिलेगा ट्रैफिक। अब ठंडी लग रही है खाना खाने के बाद ठंडी लग रही है। तो पहुंच गए नागपुर वापस, अब सोच रहे हैं एक चाय पी लेते हैं। थोड़ा ठंड लगी हाईवे पे, हल्की फुल्की खास नहीं, बट खाने के बाद चाय पीने का भी अपना मज़ा है। एक चाय पीते हैं फिर अपने अपने घर निकलेंगे। यहाँ पीते हैं चाय। तो पहुँच गए घर, अभी थोड़ा सा टीवी भी देखते हैं, घर वालों के साथ टाइम पास करते हैं। क्या खेलो? 11 हो गए और ये महाराज जो है ना मैक्स, ये रात भर परेशान करते, रात भर नहीं सोते। इसको हम लोग थोड़ा लेट सुलाएंगे ताकि ये रात को ना उठे, क्योंकि ये रात को उठता है 2 बजे 2:30 बजे, हमारी नींद खराब करता है। खाना इसका रख देते, वो खाता है फिर भी उठता है, उसको खेलने का मूड हो जाता है। फिर कल रात को वो मेरे पास आया 2:30 बजे 2:30 से लेकर 3:30 4 बजे आ दिया। उसके बाद फिर 5:30 बजे 5:30 बजे आ गया, फिर मैं 6 बजे सोने गया, फिर 7 बजे आ गया, मतलब सोने ही नहीं दिया पूरी रात मेरी ऐसे की। एनीवे चलो उसके बाद थोड़ा खेलते हैं, ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग, पसंद आया होगा तो इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।